हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के लाइट वर्जन के बारे में। तो पबजी मोबाइल का लाइट वर्जन इंडिया में ऑफिशियली रिलीज हो गया है। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, आप इंडिया से जाकर के डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। आपको कोई वीपीएन की जरूरत नहीं है और ये ऑफिशियल रिलीज हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सर्वर्स वगैरह में या मैच मेकिंग वगैरह में। सो जाकर के डाउनलोड करो और आगे वीडियो में आप लोगों को गेम प्ले दिखाता हूँ एंड साथ ही साथ इस गेम में जो चेंजेस है उसके बारे में भी बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो गेम का जो साइज है वो तकरीबन 463 MB के आसपास है, तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और ज्यादा डाटा कंज्यूम नहीं करता है। गेम को अगर एक बार डाउनलोड कर लेते हो, अगर आप ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। काफी ही लाइट यूआई है, जो ओरिजिनल पबजी है, जो पबजी मोबाइल है उससे इसका यूआई जो है थोड़ा सा हल्का है। इन द सेंस काफी लाइट डिजाइन किया है, ज्यादा आपको ज्यादा एनिमेशन या इफेक्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे एंड कुछ इस तरीके से यूआई दिखता है। काफी सिंप्लीफाइड है तो आपको नेविगेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड अगर आप सेटिंग में जाते हो तो सेटिंग में आप लोगों को रेगुलर ऑप्शंस जो देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, वो है ग्राफिक्स का। तो ग्राफिक्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, ना ही आप इसके ग्राफिक्स को बढ़ा सकते हो, ना ही आप कलर चेंज कर सकते हो, तो वो सारे के सारे ऑप्शन जो है हमारे पास है ही नहीं। ये मेरे डिवाइसेस में शो नहीं कर रहा, मे भी पता नहीं शायद हाई एंड डिवाइसेस में शो करे, आई डोंट नो, बट मैं रेडमी नोट 4 का यूज कर रहा हूँ तो उसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को भी ग्राफिक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है या सिर्फ मेरे साथ ही है। मेरे ख्याल से डेवलपर ने ये प्रोवाइड ही नहीं किया है, क्योंकि अगर वो प्रोवाइड करेंगे तो पबजी मोबाइल लाइट बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि पबजी मोबाइल में ऑलरेडी हमारे पास लो ग्राफिक्स का ऑप्शन है। सो ग्राफिक्स का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है और बाकी सारे जो नॉर्मल ऑप्शन होते हैं गेम के वो सारे के सारे हैं। एंड अब बात करते हैं इस गेम के मैप के, तो मैप में सिर्फ एक ही मैप है, वो है रेंगल का, और एक मोड है आर्केड मोड, वो है वॉर का। वो तब खुलता है जब आप लेवल 10 पे पहुंच जाओगे, तब वो खुलेगा। सो दो ही मोड है एंड दो ही मोड को लेकर के पूरा गेम बनाया गया है। एंड अगर गेम आप ओपन करते हो और खेलते हो तो आप देखोगे कि मैप जो है वो थोड़ा सा चेंज है। तो बेसिकली क्या है कि ये मैप रेंगल का ही बेस मैप है, अंदर की चीजें वही है बट थोड़ी चीजें जो है वो हटा दी है, लाइक जॉर्ज पूल वगैरह के जितने भी एलिमेंट है, जो कंटेनर्स वाली चीजें, वो सारे के सारे गायब हैं। जो बेसिक कोर पार्ट है वो सारे के सारे वैसे ही हैं। मैप के अंदर अगर आप लैंड करोगे और इधर उधर मूव करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ ओरिजिनल पबजी मोबाइल जैसा ही मैप है इसका, बट कुछ चीजें अलग अलग हैं, लाइक नए कंपाउंड्स डाल दिए हैं, कुछ नए लोकेशंस डाल दिए गए हैं, आपको सप्लाई ड्रॉप में आपको आरपीजी मिलता है। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं। फिलहाल ये गेम अभी लेटेस्ट है, रिलीज हुआ है, तो गेम के अंदर हद से ज्यादा बॉट है। तो गेम प्ले में आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा बॉट है, और ग्राफिक्स की तो बात मत करो, कितने जुड़े हुए ग्राफिक्स हैं। जिनका रैम 2GB के अंदर है उनके लिए मेरे ख्याल से काफी परफेक्ट रहेगा, कोई फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह मेरे को देखने को नहीं मिले। ऑब्वियसली 4GB का फोन है तो कोई फ्रेम ड्रॉप्स तो होंगे नहीं, लेकिन हमारे पास FPS इंक्रीज करने का भी ऑप्शन नहीं है, तो वो एक डिसअपॉइंटेड चीज़ लगी मेरे को इस गेम के अंदर। एटलीस्ट उनको FPS इंक्रीज करने का ऑप्शन देना चाहिए था, अगर ग्राफिक्स को ऐसे ही रख रहे हैं तो। गेम के अंदर काफ़ी मॉडल्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं एंड काफ़ी एरियाज हटा दिए गए हैं, जिससे मैप का साइज़ जो है वो छोटा हो गया है। सो सर्कल भी जो है वो थोड़ा फास्ट मूव करता है इसमें, एंड गेम मेरे ख्याल से 20 मिनट के अंदर शायद ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों बाकी गेम मैकेनिक्स जो है वैसा का वैसा ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। गन्स वगैरह आपको लूट आराम से मिल जाती है, जो मैंने पहला मैच खेला उसके अंदर मुझे लेवल 3 की लूट काफ़ी मिल गई और मैं स्कूल पर ड्रॉप हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बॉट्स बहुत आ रहे हैं, तो अभी अगर आप ज्वाइन करते हो एंड खेलना शुरू करते हो तो जैसे जैसे ज़्यादा प्लेयर आएंगे वैसे वैसे रियल प्लेयर के साथ जो है आपकी मैचिंग होने लग जाएगी। सो दोस्तों ये था पबजी मोबाइल लाइट, ये अवेलेबल है हमारे इंडिया में अब ऑफिशियली। जाओ जाकर के डाउनलोड करो, खेलो, मुझे बताना कि आप लोगों को ये नया पबजी मोबाइल लाइट कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।